हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू टेक्निकल नाडे। तो दोस्तों, मैं हमारे इस चैनल पर एक नया वीडियो सीरीज चालू होने वाला है जो होगा कॉमशिया ए प्लस के ऊपर। और उस सीरीज को शुरू करने से पहले मैं चाहता हूँ कि कुछ चीज़ें एक्सप्लेन करूँ कि आपको समझ आए कि आपको क्यों कॉमशिया ए प्लस की सीरीज देखना है और देखने से क्या बेनिफिट होएगा। सबसे पहले ये है कि वाई वाई कॉमशिया ए प्लस क्यू। पहली चीज, फॉर गुड आईटी जॉब ए प्लस सर्टिफिकेशन इज रिक्वायर्ड। अगर आप फ्रेशर हो और आपको जॉब लेना है, तो अगर आप हार्डवेयर इंजीनियर से शुरू करना चाहते हो तो ए प्लस सर्टिफिकेशन ज़रूरी पड़ जाता है कि आपको जॉब मिल सके। एंड इफ कंपनी डू नॉट डिमांड, कंपनी डिमांड नहीं करता है, तो भी ये कोर्स करने पे आपको नॉलेज मिलेगा जो आप नॉलेज से कंपनी में जाके काम कर सकते हो। तो ये सर्टिफिकेशन करने का ये मतलब नहीं है कि आपको ये सर्टिफिकेशन या कोर्स करने के बाद आपको गारंटी जॉब मिल जाएगा। हाँ, लेकिन ये आपको इतना तो नॉलेज देगा कि आप एटलीस्ट जाकर आपके इंटरव्यू दे सको और आपका नॉलेज टेस्ट कर सको। अगर आपका नॉलेज प्रॉपर रहेगा तो फॉर श्योर आपको जॉब मिल सकता। तो अब इंजीनियर कैसे बने, हाउ टू बिकम बेस्ट आईटी इंजीनियर? तो बुक्स पढ़ने से या वीडियो ही सिर्फ देखने से आप इंजीनियर नहीं बन जाओगे। आपको बहुत रिसर्च करना पड़ेगा, आपको अलग अलग प्लेटफॉर्म पे जाना पड़ेगा, विकिपीडिया हो गया, अलग अलग वीडियोस देखना है, कहाँ पे जाके रीड करना है, हर एक चीज़, बहुत सारी चीज़ करोगे तब जाके आप अच्छे कंप्यूटर हार्डवेयर इंजीनियर बन पाओगे। और प्रैक्टिकली परफॉर्म करना पड़ेगा हर एक चीज़, प्रैक्टिकल परफॉर्मेंस परफॉर्म करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो थियोरेटिकल नॉलेज तो मिल जाएगा, लेकिन प्रैक्टिकल परफॉर्म करना भी ज़रूरी है, क्योंकि आप कंपनी में जाके प्रैक्टिकली हर एक चीज़ करने वाले हो और इंडस्ट्री में अलग अलग इश्यूज़ फेस करने को मिलते हैं और उसके लिए लिमिटेड टाइम ही होता है कभी कभार कि आप उसको ट्रबल शूट कर सको। और बहुत सारे ऐसे फोरम्स भी होते हैं जहाँ पे आपको इश्यू सॉल्विंग मिल जाता है। तो पहले ही आप ऐसे करिए कि आप जाओ अलग अलग फोरम्स में, वहाँ पे अलग अलग ट्रबल शूटिंग के आंसर्स देखो, तो वो आपको हेल्प करेंगे कैसे इश्यू सॉल्व करने होते हैं। और क्योंकि अभी इंडस्ट्री में बहुत डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स हैं, बहुत वैरायटी है, जैसे डेस्कटॉप है, नॉर्मल ऑल इन वन है जो एक ही स्क्रीन के अंदर सब कुछ आ जाता है, लैपटॉप है, स्मार्टफोन्स है, टैबलेट्स है, फैबलेट्स है, कई सारे डिवाइसेस है। और लेकिन बेसिक फंडा तो सबका एक है कि सबके अंदर हार्डवेयर कंपोनेंट मोस्टली सब सिमिलर होते हैं, लेकिन आपको चलाना आना चाहिए। अभी कंप्यूटर में हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर है, दोनों ना हो तो कंप्यूटर बिना मतलब का है। तो एक हार्डवेयर है, एक सॉफ्टवेयर है जो ऑपरेटिंग सिस्टम बोल सकते हो, और एक फर्मवेयर होता है जो बायोस होता है जिसके ऊपर पूरा कंप्यूटर चलता है। तो हार्डवेयर तो ऐसी चीज़ है जो आप टच कर सकते हो, सॉफ्टवेयर तो ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, और जो फर्मवेयर है वो है बायोस। तो बायोस क्या होता है अगर पता नहीं होगा तो मैं बताऊँगा आगे। तो पहले ये कोर्स चालू करने से पहले मैं बता दूँ, कॉमशिया ए प्लस का सर्टिफिकेशन दो पार्ट में डिवाइडेड है, दैट इज 220-1001 एंड 220-1002। फर्स्ट पार्ट में मोबाइल डिवाइसेस, नेटवर्किंग, हार्डवेयर, वर्चुअलाइजेशन एंड क्लाउड कंप्यूटिंग और हार्डवेयर एंड नेटवर्क ट्रबल शूटिंग, और दूसरे पार्ट में ऑपरेटिंग सिस्टम, सिक्योरिटी, सॉफ्टवेयर ट्रबल शूटिंग एंड ऑपरेशनल प्रोसीजर। तो ये दो पार्ट में डिवाइडेड हैं और हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम पूरा करें। और आप देखोगे जो ये परसेंटेज दिया है एग्ज़ाम्स के हिसाब से, वो परसेंटेज ऑफ कंटेंट आपको एग्ज़ाम्स में मिलेगा। लेकिन अभी ये पढ़ कैसे सकते हैं, अभी आप कैसे सीख सकते हो ये? मैंने वीडियोस तैयार किए हैं हमारे नगेट्स में, मोस्टली यू कैन वॉच दिस ट्यूसडे एंड फ्राइडे, हर दिन 7 बजे शाम को एक वीडियो आएगा ऑन कॉमशिया ए प्लस, और उसका जो कंटेंट है, रीडिंग कंटेंट मटेरियल होगा कि आप थियोरी भी पढ़ सको, वो आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा जिसमें जाके अगर आप क्लिक करोगे तो वहाँ पर आपको एक पेज पे लेके जाएगा जहाँ पे आपको उस नगेट के रिलेटेड जो भी थियोरी मटेरियल होगा
वो आप पढ़ सकते हो और एग्जाम्स की तैयारी कर सकते हो। और दूसरी चीज़, फेसबुक पेज है जो मेरा, उसमें आप जाकर लाइक कर सकते हो उस पेज को, और उसमें क्विजेज आएंगे और टेक्नोलॉजी के अपडेट्स आएंगे, तो आप उस पेज को भी लाइक कर सकते हो। तो और भी बहुत सारी चीज़ें, लेकिन आज अभी के लिए फ़िलहाल मैं तुम लोग को गुड लक विश करता हूँ कि आई होप सो यू विल वॉच दिस वीडियोस और आप कुछ सीखोगे। और आपको अगर कुछ और पूछना होगा मुझे तो आप कमेंट में डाल सकते हो। और देखते रहना टेक्निकल नगेट। थैंक यू।